गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आप लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय तो दोनों ही कर चुका है, तो मैं आज थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ये पाठ में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जो आप लोगों को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, आप लोग इसको देखिएगा और इसी से कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, पहला जो कॉलम दिया हुआ है इसमें ज्ञान प्लस वान, यानी वान क्या है, प्रत्यय है, और ज्ञान क्या है, मूल शब्द है। तो ज्ञान में वान जुड़कर बन गया ज्ञानवान। तो इस तरह से देखिए, पहले कॉलम में पाठ मूल शब्द, अक प्रत्यय पाठक, ठीक है, पाल मूल शब्द, अक प्रत्यय पालक, निर्भय मूल शब्द, ता प्रत्यय निर्भयता, पराया मूल शब्द, पन प्रत्यय परायापन, घट मूल शब्द, या प्रत्यय घटिया, लघु मूल शब्द, ता प्रत्यय लघुता, भड़क मूल शब्द है, ईला इसमें प्रत्यय जुड़ा है, भड़कीला, शरीर मूल शब्द है, इक इसमें प्रत्यय जुड़ा है, शारीरिक, बेटा इसमें मूल शब्द है, ई प्रत्यय बेटी, देव मूल शब्द, ई प्रत्यय सॉरी देव मूल शब्द, त्व प्रत्यय देवत्व, विनम्र मूल शब्द, ता प्रत्यय विनम्रता, मिल मूल शब्द है, आवट इसमें प्रत्यय जुड़कर बना है मिलावट। ठीक उसी तरह से आप इस सेकेंड रो में भी देखिए, धैर्य में वान जुड़ने से बन गया धैर्यवान, चाल में अक जुड़ने से बन गया चालक, बढ़ में या बढ़िया, अपना में पन अपनापन, पढ़ प्लस आई पढ़ाई, मधुर प्लस ता मधुरता, चमक प्लस ईला चमकीला, धर्म प्लस इक धार्मिक, पशु प्लस इक पाशविक, पुत्र प्लस ई पुत्री, अपना प्लस त्व अपनत्व, दयालु प्लस ता दयालुता, धन प्लस वान धनवान, यानी प्लस के बाद जो जो जुड़ा है वो सारे के सारे प्रत्यय हैं, और प्लस के पहले जो शब्द हैं वो क्या है, वो है मूल शब्द। तो ये जो कॉलम है इसको आपको कॉपी में उतारना है, लेकिन आपको कॉपी में कैसे उतारना है, जितने वान प्रत्यय शब्द है उसको एक लाइन में, उसके बाद जितने अक प्रत्यय है, जितने ता प्रत्यय है, सब अलग अलग प्रत्यय को एक कॉलम में रखना है। जैसे ज्ञानवान, ठीक है, इसमें वान है, ज्ञानवान इसमें चला रहा है, फिर नेक्स्ट ग्रुप में देखिए आप, धैर्यवान इसमें चला रहा है, धनवान, तो ये सारे सारे के क्या हैं, वान प्रत्यय, तो वान प्रत्यय वाले को एक तरफ लिखिए। उसके बाद क्या है, देखिए अक, अक प्रत्यय में पाठक पालक ये सब क्या है, अक, फिर नेक्स्ट में देखिए कि अक और है या नहीं, इसमें है चालक, तो ये तीनों फिर एक ग्रुप में चले आएंगे, ठीक है। तो वान प्रत्यय, अक प्रत्यय, या प्रत्यय, पन प्रत्यय, आई प्रत्यय, ता प्रत्यय, ई प्रत्यय, इक प्रत्यय, त्व प्रत्यय, ये सब अलग अलग जितने प्रत्यय हैं सबको अलग अलग लिखना है, यानी वान वाले एक ग्रुप हो जाएगा, अक वाले एक ग्रुप हो जाएंगे, और ता वाले एक ग्रुप हो जाएंगे, पन वाले, त्व वाले, ई वाले, समझ में आया। तो इसी में ये दोनों ग्रुप में से ही आपको सारे प्रत्यय को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, ठीक है, ओके।